डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गुप्त ख्याति क्या है। गुप्त ख्याति के बारे में आज इससे पढ़ लेते हैं। तो गुप्त ख्याति में देखिए, गुप्त ख्याति क्या होता है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया होता है। कभी कभी फर्म की ख्याति का मूल्य जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिया होता है। ऐसी दशा में ख्याति पूंजी संरचना के माध्यम से अथवा लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अंतर्निहित विधि से ज्ञात की जाती है, उसे गुप्त या छिपी हुई ख्याति कहते हैं। देखो, कभी कभी प्रश्न में ख्याति का मूल्य स्पष्ट नहीं दिया रहेगा, उस स्थिति में हम उसको कैसे करेंगे, ख्याति की पूंजी संरचना के माध्यम से अथवा लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अंतर्निहित विधि से ख्याति की गणना करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसे ही क्या बोलते हैं हम गुप्त या छिपी हुई ख्याति कहते हैं। क्लियर हो गया, गुप्त या छिपी हुई ख्याति क्या है ये समझ में आ गया। अब हमको इसमें भी कुछ निर्देश हैं, इसको देख लीजिए। गुप्त ख्याति ज्ञात करने की विधि, तो सर्वप्रथम नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करना है। नई फर्म सर्वप्रथम किसको करना है, तो नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करना है। पॉइंट नंबर वन, इसको आप अच्छे से याद रखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। दूसरा में हम करेंगे पुराने और नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी की गणना। पुराने और जो नए साझेदार हैं उनके संयुक्त पूंजी क्या है, मैं बताऊंगा आपको कि पहला साझेदार और दूसरा साझेदार, मान लीजिए एक फर्म में दो साझेदार हैं और तीसरा साझेदार आ रहा है, तो तीनों के जो पूंजी है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा जो पूंजी आएगा वह संयुक्त पूंजी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्म की कुल पूंजी में से संयुक्त पूंजी को घटाकर गुप्त ख्याति निकालना। फर्म का जो कुल पूंजी आएगा यहाँ पर से कुल पूंजी गणना कर लेंगे और संयुक्त पूंजी जो आएगा उसको घटा देंगे तो हमारा गुप्त ख्याति आ जाएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 15 में दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई एक फर्म में क्रमशः 19,500 13,500 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। ठीक है, 19,500 और 13,500 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। वे जेड को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। देखिए, सारा खेल यहीं पर है, 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, मतलब पांच हिस्सा में से एक हिस्सा के लिए साझेदार किसको बनाते हैं, जेड को। मान लीजिए फर्म की कुल पूंजी 5 है, मतलब 5 भाग में है, तो 5 भाग में से एक भाग जो है कौन देगा, जेड देगा। ठीक है, और यहाँ पर जेड पूंजी के रूप में 12,000 लाएगा। जेड क्या होगा, पूंजी के रूप में 12,000 लाएगा, मतलब जब जेड शामिल हो रहा है तो फर्म की कुल पूंजी कितना हो जा रहा है, 5 ही, मतलब कुल पूंजी जो है मतलब 5 हिस्सा हो जा रहा है, समझो कुल पूंजी का 5 हिस्सा में से एक हिस्सा कौन ला रहा है, जेड ला रहा है। जेड जो है पूंजी के रूप में कितना लाया, 12,000 रुपये लाएगा। गुप्त ख्याति की गणना कीजिए। देखो, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो हमें नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करना है। अब जो नया साझेदार है जेड, वो 1/5 भाग के लिए कितना ला रहा है, 12,000 ला रहा है, तो एक बटे पाँच भाग के लिए 12,000, तो पूरे मतलब देखो आपको एक समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये जैसे एक गोला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक गोला है, ये मान के चलिए संपूर्ण एक गोला है। इसमें हम इसको पाई चार्ट के रूप में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 5 भाग में बांट देते हैं, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर कर देते हैं 5। ठीक है, अब 5 भाग में से एक भाग, ये 5 भाग है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग है। अब 5 भाग में से एक भाग कौन ला रहा है, जेड ला रहा है, कितना ला रहा है, 12,000 रुपये। ठीक, 5 भाग में से एक भाग जेड ला रहा है, कितना ला रहा है, 12,000 रुपये। तो जब एक भाग का मतलब 1/5 भाग का रेट कितना है, 12,000 रुपये है, तो पूरे 5 भाग का रेट कितना होगा, हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो 12,000 गुणित 5/1 कर दो, उसको जस्ट उल्टा देते हैं। ठीक है, या 5 कर दीजिए डायरेक्ट, तो 12×5=60,000।
तो ये क्या हो गया, यही फर्म की कुल पूंजी है, नए फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी, यही नए फर्म की कुल पूंजी होगी। क्लियर हो गया, यही नए फर्म की कुल पूंजी होगी। 12 × 5 = 60, 60,000 रुपये हमारे फर्म की कुल पूंजी होगी। ठीक है, आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब एक पॉइंट और है, ये यहाँ पर एक भाग के लिए लिखा है, मतलब समझ जाइए कि अगर जेड जो है 1/5 के लिए ला रहा है तो पूरे 5 भाग का कितना होगा, तो 12 × 5 = 60, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, 60। अतः कुल भाग के लिए पूंजी 60,000 लाएगा, मतलब पूरा को अगर लाता है तो कितना लाना पड़ेगा उसको, 60,000। ठीक, मतलब फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, 60,000 होगी अगर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि एक भाग के लिए इसको शामिल कर रहे हैं, तो बाकी 4 भाग किसका होगा, एक्स और वाई का हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थात फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, 60,000 हो गई। पुराने और नए साझेदार की संयुक्त पूंजी, अब हम क्या करेंगे, पुराने और नए साझेदार का संयुक्त पूंजी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे एक्स और वाई एक फर्म में क्रमशः 19,500 और 13,500 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। तो 19,500 एक्स का, वाई का 13,500, एक्स का 19,500 और वाई का 13,500, और साझेदार जो जेड है वो कितना लाया, 12,000 लाया। अब इसको भी जोड़ दिए, तो तीनों को पूंजी को अब जोड़ते हैं हम, 1, 2, 3, इन तीनों को पूंजी को जोड़ते हैं तो संयुक्त पूंजी कितना होता है, 45,000 होता है, जबकि होना कितना था, 60,000 होना था, कितना हुआ, 45,000 हुआ। तीनों को मतलब 12,000 तो जेड लाया, 13,500 उसका है वाई का, और एक्स का कितना, 19,500 है, तो टोटल कितना हो गया, 45,000। संयुक्त पूंजी कितना, 45,000 है, जबकि होना कितना है, 60,000 होना है। यहीं पर जो छिपा हुआ है इनके दोनों के बीच के अंतर की राशि, वही क्या है, हमारा ख्याति का मूल्य है। और इसी को हम तीसरे पॉइंट में लिखते हैं कि गुप्त ख्याति की गणना। तो फर्म की कुल पूंजी, यह फर्म की कुल पूंजी 60,000 माइनस कर देंगे फर्म की संयुक्त पूंजी, फर्म की संयुक्त पूंजी, तो 60,000 में 45,000 माइनस कर दी, कितना आया, 15,000 आया। वही क्या है, वही जो है फर्म का क्या है, वही ख्याति है, वही ख्याति की राशि, वही गुप्त ख्याति की राशि है। क्लियर हो गया होगा, बस ये ऐसे ही बनाना है गुप्त ख्याति का। गुप्त ख्याति का केवल एक ही क्वेश्चन दिख रहा है शायद, ये देखिए गुप्त ख्याति का एक ही क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार का है ये क्वेश्चन, है ना, 22वां नंबर क्वेश्चन। ए और बी 26,000 और 22,000 के पूंजी के साथ साझेदार हैं, वे फर्म में फर्म के लाभ में 1/4 हिस्से के साथ साथ सी को, देखिए एक मिनट, वह फर्म के लाभ में 1/4 हिस्से के साथ सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 26,000 लाता है, तो सी के प्रवेश पर गुप्त ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, देखिए अब हमको क्या है, सबसे पहले, हाँ सर्वप्रथम हमको नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करना है, पहला है ये, एक है तो नया साझेदार कितना, 1/4 हिस्सा के लिए कितना ला रहा है, 26,000 ला रहा है, तो एक भाग, चार भाग में से एक भाग के लिए कितना ला रहा है, 26,000 ला रहा है, तो पूरे चार हिस्से के लिए कितना लाएगा, मतलब पूरे भाग के लिए कितना लाएगा, तो 26,000 गुणित 4/1 कर दिए, बराबर कितना हो गया, 1,04,000 हो गया। अतः कुल भाग के लिए पूंजी 1,04,000 लाएगा, अर्थात फर्म की कुल पूंजी कितना हो गया, 1,04,000 है। पुराने दूसरा जो पॉइंट है वो है पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी। तो पुराने साझेदार और नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी कैसे, तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब पुराने साझेदार ए और बी की पूंजी कितनी थी, एक का 26,000 है, ए का, और बी का 22,000 है, और न्यू जो पार्टनर आया है उसका जो है सी का पूंजी कितना है, 26,000 लेकर के आए। इन तीनों को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 74,000 हो रहा है, और 74,000 तो हो रहा है संयुक्त पूंजी, लेकिन यहाँ पर कुल पूंजी कितना दिखा रहा है, 1,04,000। अब इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, तो वो जो अंतर की राशि है वही क्या है, इन दोनों के बीच में जो अंतर की राशि आएगी इसको घटाने के बाद, वही क्या है, हमारी गुप्त ख्याति है। तो गुप्त ख्याति की गणना यहाँ पर किए हैं, तो फर्म की
कुल पूंजी माइनस फर्म की संयुक्त पूंजी। तो कुल पूंजी 104,000 माइनस कर देंगे 74,000 मतलब 74,000 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। यही क्या है, यही फर्म की गुप्त ख्याति है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए गुप्त ख्याति की गणना सेम उसी उदाहरण के आधार पर बना है और अलग से इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है अगले चैप्टर क्रमांक 4 का रहेगा, चौथे चैप्टर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज जो है जितना भी हमारा ख्याति का प्रश्न था उसको तो सारे को हमने कंप्लीट कर दिया। कुछ क्वेश्चन और हैं इसमें, विभिन्न विधियों से ख्याति गणना, ये सारे आपके जो प्रश्न हैं वो पहले दूसरे तीसरे और चौथे विधि और पांचवे या छठवें विधि से संबंधित है ना। तो आपको इसको जो है ना पुराने जो भी अधिलाभ औसत लाभ और पूंजीकरण विधि जिससे पढ़े हैं उसी से ये संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बना करके देखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं, जितने भी 12वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबका लाभ हो सके, सबको लाभ हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।